होलकर जी की जयंती पर राष्ट्र सेवा सम्मान के तौर पर यहाँ सम्मानित किया गया है, इतना बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम रहा है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? हम ये क्षेत्रा जनार जगह से हमें माता जी ने जैसे आज इतिहास है, आज मोदी जी ने बनारस में जो अहिल्या भाई होलकर का नाम लिया तो इतिहास हुआ है, वैसे रामेश्वरम में आगे अहिल्या भाई होलकर ने बताया कि समाज में हमारे बहुत सारे लोगों जो इतिहास रचे और इतिहास में उनका भी नाम आए और हमारे समाज के सब बड़े बुद्धिजीवी लोग थे और अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, तो उनको संदेश देने के लिए कार्यक्रम किया। आप लोग एक आइए और अपने हिस्से का 2% हमारे समाज के लोगों को देने का प्रयास कीजिए और उस पर मंथन कीजिए। और मैं कभी पिछली बातों का नहीं करता, आने वाली बातों का चेतना जगाना चाहता हूँ। और मेरा भाषण आपने सुना होगा, कोई इतिहास दोहराने आने वाले इतिहास और आने वाली पीढ़ी को जो हमारा चीज़ है वो हमें मिले और जो उनका चीज़ है उनको मिले। हमेशा इस देश में एक विशेष वर्ग को गरीब बताया गया, इतिहास में, रिकॉर्ड में, हर जगह पर, जो बहुत गलत है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए और इसको जमीनी स्तर पर बताना चाहिए। हम नेता नहीं हैं, हम कोई राजनीति करने के लिए, वोट मांगने के लिए सब बातें नहीं करते। परिचय, मैं राम कुमार पाल मुंबई निवासी हूँ और बिजनेस करता हूँ। और ये जो थोड़ा सा छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ कि हर प्रदेश में जाकर लोगों को, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करो, उनको ये चेतना जगाओ, जो मैंने अपनी स्पीच में कहा था, जैसे कि हमारे 4 लाख मंदिरों का 1 लाख करोड़ रुपया, जैसे हलाल की 5 किलन की ट्रॉली है, जैसे वक्फ बोर्ड है, ये सब चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर लोग जाने। और एक ही आदमी है अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाला हुआ है। वक्फ बोर्ड इंदिरा गांधी ने टेम्पोरवरी बनाया था, राजीव गांधी ने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन 29 सितंबर 2013 को विधानसभा लोकसभा में पास कर वक्फ बोर्ड हर हिंदू के खिलाफ है। इसको आप YouTube पर जाके देखिए, गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, इसमें कोई एक विशेष जाति नहीं, सारे हिंदुओं के खिलाफ वक्फ बोर्ड है। सिर्फ हिंदू या बहुसंख्यक होना गलत है, ये मेरा सवाल देशवासियों से, जनता से, आपसे, प्रशासनिक अधिकारियों से, बहुसंख्यक होना कोई अन्याय है, बहुसंख्यक होना कोई पाप है, ये हमें बताया गया। आज याद रखना है, आज का दिन हमारी माता अहिल्या भाई होलकर जी का उस तत्कालीन जनरल जयंती का यहाँ पे आयोजन किया है। मैं विशेषकर श्री राम कुमार पाल जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर उन धन्यवाद उन सभी बुद्धिजीवी लोगों को, हमारे सभी समाज के लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया और माता अहिल्या भाई होलकर जी के जीवन के बारे में सभी को जानकारी दी। माता अहिल्या भाई होलकर बहुत ही न्यायप्रिय थी, उन्होंने हमारे समाज को उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। ये सभी को यहाँ पर विदित है, इसमें कोई ज़्यादा दोहराने की बात नहीं है, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हमें संदेश लेके जाए कि हम अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं, और हमारे परिवार में जो बच्चे तैयारी के रहते हैं उनको माता अहिल्या भाई होलकर की जल्दी से हमेशा मिलनी चाहिए। मैं मनीष बघेल अपने लोकसभा में कार्यरत हूँ और मुझे लोकसभा में लगभग 23 वर्ष हो गए वहाँ पर कार्य करते हुए। मैं वहाँ पर स्पीकर ऑफिस के जो सारे कार्य हैं वो वहाँ पर देखता हूँ। इसके अलावा अपने जो समाज के कार्य हैं उनमें भी मेरा जैसे अधिकारी होते हैं, और फिर आजकल और मतलब उस टाइम से नॉलेज कैसे आपकी इतनी कम उम्र में हुआ? 2017 में मेरी मतलब उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही थी और वहीं से क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा क्या कर रही हो, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इंग्लिश ज्यादा और फिर यहीं से शुरू हुआ। आप भी और अहिल्या भाई होलकर जी की जयंती है, बाकी लोगों का नाम कृपया लिस्ट हमें उपलब्ध कराई जाए जिससे बाकी अतिथियों को भी हम नाम बुला सकें, अन्यथा मैं अपने दूसरे प्रयोजकों से अनुरोध करूंगा कृपया वह नाम बाकी लोगों का यहां से उद्घोषित करें। उनको उनको जो जिनके बारे में कम लोग जानते हैं उनको फ्रंट में लाने का एक बहुत बड़ा, डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी प्रबंधक विकास इंटर कॉलेज ये कार्यक्रम चल रहा है।
जो कि अधिकांश श्री हरिश्चंद पाल जी संस्थाओं और आप अध्यक्ष हैं गांधी इंटर कॉलेज जहाँ तक पटेल नगर बाई होलकर के बारे में जानकारी इतिहास में उतना वो स्थान प्राप्त हो जाए और वो राष्ट्र माता के रूप में जो उन्होंने कार्य किए थे उन सबसे हमारे देश के बच्चे हमारे देश के युवा परिचित हों और वो अपने जीवन में